Assalamualaikum, welcome back. Today our topic is impulse. Impulse of force. What is impulse? Impulse क्या होती है हमारे पास? Impulse mean के धक्का देना. धक्का देना force by force. कोई भी चीज को हम किसी भी चीज को जब धक्का देते हैं तो हम force को utilize करते हैं और फिर जितने time में देते हैं यानी कि जितने time उसको धक्का देते हैं वो उसके साथ multiply हो जाएगा. By definition, impulse क्या है हमारे पास? The product of force. And the time for which it is act is called impulse. कि हम जब force देते हैं, धक्का देते हैं किसी भी body को, तो वो कितना आगे, कितनी देर आगे जो है, वो अपना work करती है या अपना आगे वही असर force कर रहता है, तो हमारे पास वो impulse show होगा. Impulse की definition देखिए, इसके mathematical form क्या है हमारे पास? I equal to F cross T. F force हमारे पास force क्योंकि vector है, तो ये हमारे पास impulse भी क्या हो जाएगी? Vector quantity हो जाएगी. वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड इंपल्स. या सवाल आता है कि जी प्रूव करें इंपल्स और मोमेंटम में क्या डेफिनेशन या क्या इसका ताल्लुक है. तो हमारे पास क्या है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स. चेंज इन मोमेंटम हम इसको ड्राइव कैसे करते हैं? एज वी नो इंपल्स का फार्मूला आई इक्वल टू एफ क्रॉस टी. और हमारे पास लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स. एफ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी. पी की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगी? डेल्टा पी ओवर टी क्रॉस टी. टी के साथ टी क्रॉस हो जाएगा, डेल्टा पी हमारे पास बच जाएगा. डेल्टा पी हमें क्या शो कर रहा है? चेंज इन मोमेंटम. डेल्टा पी बेसिकली हमारे पास था वी एफ नेगेटिव MVF नेगेटिव MVI, चेंज इन मोमेंटम और मास और वेलोसिटी के लिहाज से. तो ये हमारे पास इक्वल आया इंपल्स के. प्रूव दैट इंपल्स इज चेंज इन, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के. ये था हमारे पास आज के टॉपिक. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है. आइसोलेटेड सिस्टम एंड अदर कोलिजंस.